हमीरपुर में कर्फ्यू टाइम में मिली 5 घंटे की छूट के दौरान लोगों के नियमों को नहीं मानने पर पुलिस के द्वारा सख्ती की जा रही है। बाहरी जगहों से आए हुए लोग अगर होम क्वारंटाइन नहीं रहते हैं तो उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी के चलते होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों के खिलाफ भी अब सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 मामले दर्ज किए। वहीं पुलिस के द्वारा होम क्वारंटाइन के उल्लंघन करने पर पूरी नजर रखते हुए FIR दर्ज की जा रही है। SP हमीरपुर अरिजीत सेन के अनुसार होम क्वारंटाइन वाले लोग अपने तय पीरियड को पूरा करें ताकि कोरोना बीमारी से निपटा जा सके। SP सेन ने बताया कि बाहर से आए हुए लोगों पर पुलिस पूरी नजर रखे हुए है और अगर कोई होम क्वारंटाइन का पीरियड पूरा नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। उन्होंने बताया कि भोरी क्षेत्र में 3 FIR अभी तक दर्ज की जा चुकी हैं और पुलिस के द्वारा ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इससे पहले सुजानपुर में भी एक ऐसा मामला दर्ज हो चुका है। शहर के अंदर जो है व्हीकुलर मूवमेंट अननेसेसरी ना हो, हमीरपुर का बाजार वैसे ही बहुत तंग है तो यहाँ पे गाड़ियों का आना जाना जो है हम डिस्करेज कर रहे हैं। बाहर आसपास जितनी भी पार्किंग्स हैं वहीं पे गाड़ी खड़ी कर रहे हैं, तो इसी तरह का हमारा एक सिस्टम अभी तक चल रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी रश है लोगों का और अगर गाड़ियाँ भी आ जाएंगी तो और थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग के मद्देनज़र हमने ये इन्फोर्स किया है कि गाड़ियाँ बाहर ही रहें तो बेटर है। थर्मल स्क्रीनिंग और चेकिंग जो है वो हो रही है। जितने भी लोग खासकर बाहर के स्टेट से आ रहे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली या कहीं आसपास के स्टेट्स के, उनको हम वहीं पर जो है एंटर कर रहे हैं उनकी सारी डिटेल्स, उसके बाद उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। उसके बाद उनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि वो होम क्वारंटाइन में रहेंगे। होम क्वारंटाइन में पहुंचने के बाद उनको पुलिस जो है फ़ोन कर रही है सबको और उनको डायरेक्टिव्स जो है क्लियरली समझाए जा रहे हैं कि आप अगले दिनों तक जो है होम क्वारंटाइन में रहेंगे। उसके अलावा मैंने एक अपने पर्सनली चिट्ठी भी लिखी है जिसमें क्लियर कट डायरेक्शंस हैं, कानूनी प्रावधानों के डिटेल्स हैं जो पुलिस जो है लोगों के घर पे भी दे रही है जिन लोगों को होम क्वारंटाइन का आदेश किया गया है। तो बस हमारे को पिछले कल भी हमको 2 FIR रजिस्टर करनी पड़ी क्योंकि लोगों ने जो है होम क्वारंटाइन का उल्लंघन करने की कोशिश की थी और उनको हमने जाहू का मामला है ये जो जाहू में उनको हमने आइसोलेशन क्वारंटीन में रखा है। उससे पिछले कल जो है सुजानपुर का एक मामला आया था नज़र में, तो मैं यही आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा सभी लोगों से जो होम क्वारंटाइन में जिनको डायरेक्शंस दिए हैं कि उसको फ्लॉन्ट ना करें, उसको ना तोड़ें और अपने होम क्वारंटाइन का जो पीरियड है उसको अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। गौरतलब है कि हमीरपुर जिला में अब तक 8 से 10 हज़ार के करीब बाहर से आए हुए लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है और इन लोगों को प्रशासन के द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि होम क्वारंटाइन पीरियड में अपने घरों के अंदर ही रहें।